दोस्तों फटाफट इसको हम रख देते हैं। और दोस्तों मछली का नाम है रूपचंद, बहुत अच्छा दोस्तों टेस्ट बनता है इस मछली का, और बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं दोस्तों, इसमें कांटे थोड़ा कम होते हैं। अब दोस्तों इस मछली का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, पहले तो उतना नहीं था लेकिन अब गोल्डन को फील कर रहा है। और दोस्तों ये मछली जब भी वो फ्राई कीजिएगा थोड़ा अच्छी तरह से पका लीजिएगा लाल करके, देखिए दोस्तों कैसे लाल करके। देखिए दोस्तों हमने अच्छी तरह से मछली ऐड कर दी है, अब इसको ढकेंगे, ढकेंगे नहीं ना दोस्तों, इसको ढकेंगे नहीं, बस तुरंत हल्का खदकेगा और हमारा रेसिपी ये बनके तैयार है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग भी बनाइए और जरूर खा के देखिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll have. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त और तंदुरुस्त होंगे दोस्तों। और आज है संडे, तो दोस्तों हम लोग लाए मछली, तो हम लोग आज मछली बना के आप लोग को दिखाएंगे कुछ अलग तरीका से, बिल्कुल गांव का स्वाद मिलेगा दोस्तों, है क्या पुष्पा? और देखिए दोस्तों मछली लाए हैं दोस्तों, और ये मछली आप लोग बनाइएगा और खाइएगा, अगर अच्छा ना लगे फिर खाइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लाए हैं मछली, ये देखिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का रेसिपी है मछली का, और दोस्तों ये रूपचंद मछली है और गजब का स्वाद बनता है दोस्तों। ये मछली बहुत ज़्यादा बिकता है क्योंकि इसमें कांटे भी दोस्तों बहुत कम होते हैं। चलिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम अच्छी तरह से मछली को धो लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसको दो पानी से धो लेंगे कम से कम, अच्छी तरह से साफ कर लेंगे दोस्तों इसको, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी दोस्तों हम लोग साफ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट हम इसको साफ कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों अच्छी तरह से हम साफ कर लिए हैं, अब इसको दोस्तों हम फ्राई कर लेते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों हम इसको फ्राई कर लेते हैं, इसमें मसाला मिक्स कर लेते हैं अपना जो जो है। तो चलिए दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से अब पहले फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए दोस्तों पहले हमने नमक रख दिया है और हल्दी रखे हैं, बस इसको मिला के और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। और दोस्तों आपको पकौड़ा खाना होगा तो इसको हल्दी और ये रख के आराम से फ्राई कर दीजिए दोस्तों, गजब का टेस्ट लगता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हम फ्राई करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब इसको हम चलते हैं फ्राई करते हैं। दोस्तों ये आवाज ही ज्यादा करता है इसलिए थोड़ा देर से ही बना रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें सरसों और लहसुन है, इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों सिलबट्टा है तो इससे पीसने में ज़्यादा स्वाद लगती है, नहीं तो मिक्सी में भी दोस्तों आप लोग पीस सकते हैं। और अच्छी तरह से दोस्तों इसमें सिर्फ और कुछ नहीं डालना है, सरसों और लहसुन बस। चलिए दोस्तों इसको फटाफट हम पीस लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को मछली का पकौड़ा खाना है तो ये देखिए दोस्तों हम मछली का पकौड़ा बना लिए हैं, और इसी को फिर मछली की रेसिपी बना देंगे दोस्तों। और पकौड़ा खाना है तो एक नंबर चीज़ बन गया दोस्तों, आप लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए हमारा मछली बनने के लिए तैयार हो रहा है, तो हमने इसमें सरसों रख दिए हैं जो राई बोलते हैं वो, और मसाला फ्राई कर लेते हैं और इसको झाँप देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको ढक दिए हैं। देखिए दोस्तों मसाला को अच्छी तरह पका लेंगे और हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। चलिए दोस्तों हमने दो चम्मच नमक रख दिए हैं, आप लोग अपने हिसाब से रख दीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तों। दोस्तों मसाला जो मछली का है इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे, तभी दोस्तों इसमें पानी ऐड करेंगे, नहीं तो मछली खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से पहले पका लेंगे। चलिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, और मसाला का देखिए दोस्तों हमारा कलर कैसा हो गया है। तो इसको अच्छी तरह से हम दोस्तों पका लेंगे, अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो
उसका दोस्तों इसको मिलाते रहिएगा। चलिए दोस्तों हम अच्छे से इसको पानी ऐड कर लेते हैं। देख लीजिएगा दोस्तों कि इसका ग्रेवी हम कितना पतला या मोटा रखना है, उसी हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों थोड़ा पकना भी होता है, तो उसी हिसाब से अपना पानी ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों हमने लगभग 3 छोटा गिलास से रखा है, 3.5 गिलास। देखिए दोस्तों बस अब बहुत जल्दी हमारा मछली बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। सरसों वाले जब का टेस्ट बनता है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग मछली बनाइए और खाइए, बिल्कुल गांव का स्वाद मिलेगा दोस्तों। एक बार जरूर आप लोग बना के खा के देखें। क्या पुष्पा जी, हाँ रखिए। देखिए दोस्तों हमारा मछली इसमें ऐड हो रहा है। चलिए दोस्तों फटाफट इसको हम रख देते हैं। और दोस्तों मछली का नाम है रूपचंद, बहुत अच्छा दोस्तों टेस्ट बनता है इस मछली का, और बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं दोस्तों, इसमें कांटे थोड़ा कम होते हैं। अब दोस्तों इस मछली का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, पहले तो उतना नहीं था लेकिन अब गोल्डन को फील कर रहा है। और दोस्तों ये मछली जब भी वो फ्राई कीजिएगा थोड़ा अच्छी तरह से पका लीजिएगा लाल करके। देखिए दोस्तों कैसे लाल करके। देखिए दोस्तों हमने अच्छी तरह से मछली ऐड कर दी है। अब इसको ढकेंगे, ढकेंगे नहीं ना दोस्तों, इसको ढकेंगे नहीं, बस तुरंत हल्का खदकेगा और हमारा रेसिपी ये बन के तैयार है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग भी बनाइए और जरूर खा के देखिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा मछली बन के तैयार हो गया, आप लोग भी बनाइए दोस्तों। सरसों वाली मछली गजब का टेस्ट बनता है दोस्तों, एक बार आप लोग जरूर बनाए खा के देखिए इस तरीके से। और दोस्तों चैनल पहली बार आए हुए तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।